तो द चैप्टर रनिंग ऑन इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, और इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं ऑलरेडी, ठीक है। आज की क्लास में जो टॉपिक होगा दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर, और उसको हम बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप, क्लियर। इसके अलावा हम जो टेस्ट पेपर है उसका डिस्कशन भी करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि टेस्ट में जो क्वेश्चंस आए हों या जो भी आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हों, तो वो सारी जो चीज़ें हैं हम आज डिस्कस करने वाले हैं। नो इश्यूज कुनाल, फाइन, यू इन्फॉर्म मी, दैट्स वेरी गुड, ऑल राइट, ओके, थैंक यू कुनाल, फाइन। तो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज कि एसेंट ऑफ सैप की बात करने वाले हैं, और एसेंट ऑफ सैप में जो भी चीज़ें हम सीखेंगे आज वो आपको थोड़ा सा अच्छे से याद रखनी है। थ्योरेटिकल कंसेप्ट है बट प्रैक्टिकली इट इज़ ऑफ वेरी मच इम्पॉर्टेंस, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे एसेंट ऑफ सैप जब आप सीखेंगे तो वहाँ आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि डीपीडी के कंसेप्ट की ज़रूरत आपको थोड़ी सी पड़ सकती है, थोड़ा सा कंसेप्ट आपको समझना होगा प्रेशर का, ये सारी चीज़ों की बात करेंगे। एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डील विथ द पेपर डिस्कशन। जो कल का आपका टेस्ट हुआ था उसमें जो क्वेश्चंस आए थे, मे बी उसमें किसी को कोई इश्यूज हो या प्रॉब्लम्स हो तो उसका डिस्कशन करेंगे, जो भी आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर होंगे, फाइन। तो आज की क्लास का एक जस्ट देख लेते हैं कि क्या हमें आज की क्लास में पढ़ना है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप क्या है ये अभी आपको सिखाया जाएगा कि एग्जैक्टली व्हाट इज एसेंट ऑफ सैप। बहुत आपने सुन लिया बार बार मेरे मुँह से, और काफ़ी बार आपने ये देखा भी होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी होता है। तो एसेंट ऑफ सैप बहुत हो चुका है, अभी हम इसका मीनिंग समझेंगे कि एग्जैक्टली व्हाट इट इज। मैकेनिज्म देखेंगे कि एसेंट ऑफ सैप का जो प्रोसीजर है वो प्रोसीड कैसे करता है, आगे कैसे बढ़ता है, कौन से सेल्स होते हैं जो वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, फाइन। अब एसेंट ऑफ सैप का जब मैकेनिज्म हम डील करेंगे तो उस मैकेनिज्म को डिस्क्राइब करने के लिए काफ़ी सारी थ्योरीज जो हैं वो पुट फॉरवर्ड की गई थी, तो वो थ्योरीज को देखा जाएगा। फर्स्ट थ्योरी विल बी वाइटल फोर्स थ्योरी, द सेकंड विल बी रूट प्रेशर, और उसके बाद जो आपके पास होगी वो होगी फिजिकल फोर्स थ्योरी, ठीक है। तो फिजिकल फोर्स थ्योरी जो है उसमें मोस्ट एक्सेप्टेड एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टेड थ्योरी जो है दैट इज ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी, इसकी बात करेंगे, जहाँ पे आप कोहेजन एडिशन थ्योरी भी इसको कहा जाता है। डिक्सन एंड जॉली ने इसको डिस्कवर किया था। इतनी बातें आज की क्लास में होने वाली हैं, ऑलराइट। तो पहले देख लेते हैं कि एसेंट ऑफ सैप होता क्या है। एसेंट ऑफ सैप अगर आपको डिफाइन करना है तो इसका मतलब होता है अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एब्जॉर्ब वाटर। पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं कहाँ पर, पौधों के अंदर, उनके सेल्स के अंदर, तो उन पानी का मॉलिक्यूल जो एब्जॉर्ब होता है उनका जब अपवर्ड मूवमेंट होता है अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, या फिर यू कैन सिंपली से दैट मूवमेंट ऑफ वाटर अगेंस्ट द ग्रेविटी अप टू टॉप पार्ट्स ऑफ द प्लांट। टॉप पार्ट्स का मतलब है कि आप बहुत ऊंचे से ऊंचे स्टेम पे चले जाइए, ऊंचे से ऊंचे पौधे के ब्रांच पे चले जाइए, वहां तक पानी जो है वो रूट से लेकर पहुंचता है। So that upward movement of water molecules against the gravitational force is called as ascent of sap. Clear? अब यहाँ पर बहुत ही easy and well known होता है कि यहाँ पे water का जो conduction है या water का जो transport है वो कौन करते हैं, xylem elements करते हैं, ठीक है। तो xylem और phloem के बारे में I guess आपने पहले lower classes में भी सीखा हुआ है that these are considered to be permanent tissues, और ये कंपाउंड टिश्यूज होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो जाइलम इज कंसर्न विद कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फ्लोएम इज कंसर्न विद ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, ठीक है। इतनी बातें आप जानते हैं। तो यहाँ पे जो भी थ्योरी आप पढ़ोगे, जो भी आप देखोगे पानी के ट्रांसपोर्ट के लिए जो मेथड्स होंगे, सभी के सभी जगह आपको जाइलम का इन्वॉल्वमेंट दिखाई देगा। अब आप मुझे बताइए कि जाइलम के कितने कंपोनेंट्स आप जानते हैं। जो जाइलम होता है उसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं, वैसे ही जो फ्लोएम होता है उसके भी एलिमेंट्स होते हैं। तो जाइलम एलिमेंट्स का नाम आप लोग मुझे बताइए, ये आपने लोअर क्लासेस में सीखा हुआ है। इट इज़ नॉट लाइक दैट दैट यू आर हियरिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, आप लोगों को ये चीज़ें आती हैं, ठीक है, ओके। ट्रैकिड्स वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, एंड वन मोर Dave, one more. Fine. Very good, Dave. Dave has given the answer. यहाँ पे जाइलम के जो एलिमेंट्स होते हैं, yes, very good, very very nice. जाइलम एलिमेंट्स का नाम होता है ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा या फिर जिसको आप जाइलम फाइबर्स भी बोलोगे, बात एक ही होती है. ठीक है, तो ये चार एलिमेंट्स होते हैं जाइलम के. बट हाँ, यहाँ आपको हर एक एलिमेंट का काम नहीं पड़ेगा, ज्यादा काम आपको पड़ेगा जाइलम वेसल्स का. हाँ, ट्रैकेट्स उनको असिस्ट करने के लिए काम आएंगे. तो आप इन दोनों का नाम जो है वो बार बार सुनेंगे. अब हम देखते हैं कि ये पता कैसे चला कि जो जाइलम है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर इनसाइड द प्लांट बॉडी. हाउ कम वी केम टू नो दैट, मतलब हमें कैसे ये पता चला. ओके, समबडी इज सेइंग मैम एसएससी बोर्ड में तो सर ने जाइलम फ्लोएम इतना ही सिखाया है. नो इश्यूज पार्थ, अभी आपको पता चल जाएगा. ठीक है, अभी आपको पता चल जाएगा जब आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे तो आप इस चीज पे बहुत श्योर हो जाएंगे कि क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं. और उस बुक में भी होगा, आपकी जो बुक है आप एक बार चेक करिएगा. कमिंग बैक टू द टॉपिक, पता कैसे चला हमें कि जो वाटर का कंडक्शन होता है या जो एब्जॉर्ब वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर की तरफ जाते हैं और जाइलम के थ्रू जाते हैं, हमें कैसे पता चला. तो इसके लिए हमारे पास कुछ सबूत हैं या फिर एविडेंसेस हैं, और वो जो एविडेंसेस हमें मिले वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट के तौर पे पाए गए थे. तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो ये प्रूव करता है कि जाइलम इज द वाटर कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द प्लांट, वो एक्सपेरिमेंट होता है गर्डलिंग या रिंगिंग एक्सपेरिमेंट. ठीक है, गर्डलिंग या रिंगिंग एक्सपेरिमेंट. और ये जो एक्सपेरिमेंट है इसको किसने किया था, मैल्पिजी, हर्टविग एंड स्टीफन हेल्स ने मिलकर किया था. क्लियर. ये जो एक्सपेरिमेंट है बहुत ही सिंपल साइज का सेटअप होता है, बहुत आसान सी चीजें होती हैं इसमें. जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा, रिंगिंग एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम कुछ गर्डल यूज करेंगे और रिंग को यूज करेंगे जिसकी मदद से हमको पता चलेगा कि जाइलम इज द कंडक्टिंग पार्ट. नाउ आई हैव नॉट डिस्क्राइब दिस एक्सपेरिमेंट हियर फॉर यू क्योंकि एक्सपेरिमेंट है, आप इसको रीड कर सकते हो किताब के थ्रू. जब आप रीड कर लेंगे और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है समझने में तो आप मुझसे पूछ सकते हो. ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ इतना ही प्रूव करता है कि जाइलम इज द कंडक्टिंग पार्ट. तो ये थ्योरेटिकली आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है. हाँ, इसका नाम जरूर इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब एमसीक्यूज आते हैं तो आपको एक्सपेरिमेंट का प्रोसीजर नहीं पूछेगा. ऑब्वियसली वो आपसे ये जरूर पूछ सकता है कि जो एविडेंस थी या कौन सा ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसके थ्रू हमें ये पता चला कि जो जाइलम होता है दैट इज द वाटर कंडक्टिंग पार्ट. तो वहाँ आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है. सो दैट्स व्हाई आई हैव मेंशन नेम्स फॉर यू. तो गर्डलिंग या रिंगिंग एक्सपेरिमेंट आप याद रखेंगे. इसके अलावा आपको याद रखना है एक्सपेरिमेंट जो कि बैल्सम प्लांट के ऊपर किया गया था, वो भी एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है. एंड द नेक्स्ट विल बी ब्लॉकेज एक्सपेरिमेंट व्हिच वाज डन बाय डिक्सन. क्लियर. इसमें इन्होंने क्या किया था, जाइलम को ब्लॉक कर दिया था. अब सबसे सिंपल एक्सपेरिमेंट जो है वो डिक्सन का था और सबसे एफिशिएंट जो एक्सपेरिमेंट है वो भी डिक्सन का ही था. इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में सोचा कि अगर मुझे ये प्रूव करना है कि जाइलम इज द ट्रांसपोर्टिंग पार्ट या जाइलम इज द कंडक्टिंग पार्ट, तो क्यों ना मैं जाइलम को ब्लॉक करके देखूं कि अगर जाइलम को ब्लॉक कर दिया गया तो ट्रांसपोर्ट होता है या नहीं. ठीक है, तो व्हाट ही डिड वाज ही ब्लॉक्ड जाइलम वेसल्स. उन्होंने प्लांट के अंदर जो जाइलम वेसल्स थे उनको ब्लॉक कर दिया विद द हेल्प ऑफ वैक्स. अब ये मत पूछिएगा कि मैम उन जाइलम तक हम कैसे पहुंचे और वहां पे वैक्स हमने कैसे डाला, वो प्रोसीजर फिलहाल आपको समझ में नहीं आएगा. वो आपको तभी समझ में आएगा जब आप एक बहुत अच्छे बॉटनिस्ट बन चुके होंगे, आपने हायर लेवल की पढ़ाई यहाँ पर कर ली होगी. क्लियर. तो अभी बस इतना याद रखिए कि यहाँ पे किया क्या गया था कि जो भी यहाँ पे जाइलम वेसल्स थे उनको ब्लॉक कर दिया गया. और जब जाइलम वेसल्स को ब्लॉक कर दिया गया तो इट वॉज वेरी एविडेंट, वहां पे ये बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा था कि जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर है, ठीक है, यहाँ पर वाटर का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा था वो जो ट्रांसपोर्ट था वाटर मॉलिक्यूल्स का वो स्टॉप हो गया. तो जब वाटर मॉलिक्यूल्स का स्टॉप हो गया जाइलम को ब्लॉक करने से, तो अब इसका स्टेप नंबर 2 क्या करेंगे, हम ये जो वैक्स है इसको हटा देंगे. मतलब जो ब्लॉकेज जाइलम में क्रिएट किया गया था उसको हटा दिया जाएगा. और जैसे ही वैक्स ब्लॉकेज को जाइलम से हटाया गया वैसे ही ये जो वाटर मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट रुका हुआ था ये ट्रांसपोर्ट होना स्टार्ट हो गया. ठीक है, तो यहाँ से हमें ये पता चला कि जो जाइलम है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. अगर उसको ब्लॉक कर दिया तो जो ट्रांसपोर्ट है वाटर का वो स्टॉप हो जाएगा, और अगर उसका ब्लॉक आपने हटा दिया है तो जो ट्रांसपोर्ट है वो रिज्यूम हो जाएगा। क्लियर? ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था जो कि किसने परफॉर्म किया था? डिक्सन ने परफॉर्म किया था, एंड ही प्रूव कि जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मैकेनिज्म पे आते हैं जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट या मेजर पार्ट होता है। तो जब आप मैकेनिज्म देखेंगे तो एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली ऑल्सो कि बहुत सारी ऐसी थ्योरीज थी जिनकी मदद से एसेंट ऑफ सैप को समझाने की कोशिश की गई कि अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर जो होता है वो कैसे होता है, लेकिन हर एक थ्योरी सक्सेसफुल ना हो सकी। उसके जो भी ऑब्जेक्शंस थे या उसके ऊपर जो भी शॉर्टकमिंग्स थी वो यहाँ पर मेंशन होंगी, तो हम एक एक थ्योरी को डील करेंगे। पहली थ्योरी जिसकी हम यहाँ पे बात करेंगे दैट विल बी वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक है, तो इन थ्योरीज के हिसाब से ये बोला गया कि जितने भी लिविंग सेल्स होते हैं एसेंट ऑफ सैप करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, ऑल द लिविंग सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल जो एसेंट ऑफ सैप परफॉर्म करेंगे। अब लिविंग और नॉन लिविंग किस सेंस में बोला जा रहा है अभी आपको आगे समझ में आएगा। अब इस वाइटल फोर्स के हिसाब से, मतलब वाइटल फोर्स के अंदर जो भी थ्योरीज थी उनके अकॉर्डिंग एक कॉमन कंक्लूजन ये है कि लिविंग सेल्स रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर परफॉर्मिंग एसेंट ऑफ सैप। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले जिनका व्यू आया या जिन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया इस बात पे वो थे वेस्टरमायर इन 1883, और इन्होंने क्या कहा कि जो एसेंट ऑफ सैप होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द एक्टिविटी ऑफ जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स। अब अगेन अ थ्रोबैक टू क्लास 9। जब आपने क्लास 9 पढ़ा होगा तो वहां पे आपने 3 सेल्स के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें से एक थे पैरेन्काइमा, दूसरा आपने वहां पे क्या पढ़ा होगा, दूसरा आपने पढ़ा होगा कॉलेनकाइमा, और तीसरा आपने जो वहां पे सीखा होगा वो सीखा होगा स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, ये 3 सेल्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो जब आपने इनके फीचर्स की बात की होगी ना, तो आपने उन फीचर्स में ये जरूर सीखा होगा कि जो पैरेन्काइमा होता है दैट इज ऑफ लिविंग नेचर। इसका जो नेचर है वो लिविंग होता है क्योंकि इसका मेजर फंक्शन है स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल्स। अगेन आई रिपीट, पैरेन्काइमा इज कंसिडर्ड टू बी कंप्लीटली लिविंग इन नेचर बिकॉज द फंक्शन ऑफ पैरेन्काइमा, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ पैरेन्काइमा इज स्टोरेज ऑफ फूड एंड इट्स ट्रांसपोर्ट। तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन पैरेन्काइमा को हम लिविंग मानते हैं। क्लियर? कॉलेनकाइमा अगर आपने देखा होगा तो उसको सीमेंटिंग टिश्यू भी कहा जाता है। ये पार्शियल लिविंग होता है, पार्शियल डेड होता है। ठीक है, वो आप 9th में पढ़े होंगे ऑलरेडी। स्क्लेरेनकाइमा इज कंसिडर्ड टू बी कंप्लीटली डेड। ये इनके फीचर्स थे। अब यहाँ पर क्योंकि वाइटल फोर्स थ्योरी ये बोलती है कि लिविंग सेल रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ट्रांसपोर्ट, तो वाइटल थ्योरी के हिसाब से अगर आप देखें तो जाइलम का कौन सा एलिमेंट है जो कंप्लीटली लिविंग होगा, वो एलिमेंट ऑब्वियसली जाइलम पैरेन्काइमा होगा। तो दैट इज द रीजन कि वेस्टरमायर का ये पॉइंट ऑफ व्यू था दैट जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू था। इन्होंने टॉपिक्स को रिलेट कर लिया। इन्होंने सोचा हाँ पैरेन्काइमा इज द वन that is going to perform all the living functions, so that will be the cell responsible for conduction of water molecule. ठीक है, तो एसेंट ऑफ सैप में पहला पॉइंट ऑफ व्यू इनका आया, और जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये आपके सामने है कि इन्होंने क्यों ये बोला। लेटर ऑन एक और साइंटिस्ट थे जिनका पॉइंट ऑफ व्यू आया एंड ही वाज गॉडलवस्की। तो गॉडलवस्की की जो थ्योरी हमारे पास आई दैट इज 1884 में वो आई, और उन्होंने बोला कि जो एसेंट ऑफ सैप होता है that is because of rhythmic change of osmotic pressure xylem parenchyma का and the medullary cells. अब आप लोग सबसे पहले मुझे ये बताइए, क्या आप लोगों ने कभी medullary cells सुना है? नहीं तो पहले मैं आपको medullary cells का meaning समझाऊंगी और फिर मैं आपको गॉडलवस्की की थ्योरी एक्सप्लेन करूंगी। Have you all heard of medullary cells previously? No. देखो मैं आपको एकदम रफली अभी यहाँ पे समझा देती हूँ। सपोज दिस इज द सेक्शन ऑफ अ वुड। इतना याद रखिए कि जो मेड्यूलरी सेल्स होते हैं ना, या जो ये मेड्यूलरी सेल्स का प्रेजेंस आप देखेंगे, दिस इज प्रेजेंट इन सम वुडी प्लांट्स या फिर यू कैन से कि वुड तो हमेशा ट्रीज के अंदर ही बनती है, तो मेड्यूलरी सेल उनका फीचर होता है. एंड व्हाट आर दीज मेड्यूलरी सेल्स? अगर यहाँ पे हम एक वुड का सेक्शन बना रहे हैं तो आपको वहाँ पे कुछ ऐसे लाइंस दिखेंगे जिनको हम मेड्यूलरी रेस कहते हैं. ठीक है, मेड्यूलरी रेस का हो गया. इसके अलावा यहीं पर आपको क्या दिखाई देगा? यहाँ पर आपको दिखाई देगा इस तरीके से एनुअल रिंग्स. एनुअल रिंग्स का नाम तो सुना होगा. इसी को काउंट करके हम ये पता लगाते हैं कि पौधे की एज कितनी है. सुना है या नहीं सुना है इस बारे में? ये तो आपने सुना होगा कि एनुअल रिंग जो होती है वो काउंट करके हमें पता चलता है दैट व्हाट इज द एज ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्री और प्लांट. तो ये एनुअल रिंग्स हो गई. अब यहाँ पे ये जो आप पार्ट देख रहे हो, जो मैं फिलहाल आपको नेक्स्ट शेड करके यहाँ पे शो करने वाली हूँ, तो जब आप यहाँ पे देखेंगे इस पर्टिकुलर पार्ट को, ये जो ऐसे सेल्स यहाँ पर बन रहे हैं, ठीक है, ये वाले जो सेल्स हैं इनको हम क्या कहते हैं? दीज आर टर्म्ड एज मेड्यूलरी सेल्स. ठीक है, तो ये जो मेड्यूलरी सेल्स हैं आप इनको देखो और ये मेड्यूलरी सेल्स से आप जरा अंदर जाओगे, यहाँ सेंटर में आ जाओगे तो यहाँ पे आपके पास जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट रहता है. ठीक है, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जाइलम का पैरेन्काइमा और मेड्यूलरी सेल्स, इनके अंदर जो ऑस्मोटिक प्रेशर बनता है उस प्रेशर की वजह से एसेंट ऑफ सैप होता है या वाटर जो है वो ऊपर की तरफ जाता है. अब इसको ये कह रहे हैं रिदमिक चेंज. तो रिदमिक चेंज का मतलब है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट हो रहा है उसका एक रिदमिक चेंज होना. रिदमिक चेंज का मतलब है एक प्रॉपर पैटर्न रहेगा प्रेशर के बढ़ने का या घटने का, तो वो जो प्रॉपर पैटर्न होता है या तो प्रेशर बढ़े या तो प्रेशर घटे, उस एक पैटर्न की वजह से या उस कंटिन्यूस रिदम की वजह से जो पानी का मॉलिक्यूल है उसको एक धक्का लगता है और वो जो धक्का लगता है या जो पुश लगता है दैट इज टुवर्ड्स अपर साइड ऑफ द प्लांट. दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शिफ्टिंग वाटर मॉलिक्यूल्स टुवर्ड्स अपसाइड. ठीक है, ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू था. तो ये जो थ्योरी है, क्योंकि आप देख रहे हो कि इसमें दो सेल्स इन्वॉल्व हैं पुश करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल को ऊपर, दैट इज जाइलम, पैरेन्काइमा इज द फर्स्ट वन एंड सेकंड वन विल बी मेड्यूलरी सेल्स. तो अगर आप देखेंगे तो पानी का मॉलिक्यूल पहले किसके पास आएगा? पहले मेड्यूलरी सेल के पास आएगा. ठीक है, पहले वो किसके पास आएगा? मेड्यूलरी सेल्स के पास आएगा. और उसके बाद वो किसके पास जाएगा? जाइलम पैरेन्काइमा के पास जाएगा. तो यहाँ पे इन्होंने वाटर मॉलिक्यूल को पुश किया टुवर्ड्स पैरेन्काइमा. तो दिस इज सॉर्ट ऑफ रिले. रिले का मतलब समझते हो? कभी रिले खेला है आप लोगों ने स्पोर्ट्स में? किसी ने भी कभी रिले रेस में पार्ट लिया है या आपने देखा है रिले? यस. और जिन्होंने नहीं देखा है उनको मैं बता देती हूँ व्हाट इज रिले. रिले रेस में ऐसा होता है कि आप पेयर में रेसिंग करेंगे. तो आप कुछ सपोज 100 मीटर्स का रेस है तो 50 मीटर्स आप दौड़ रहे हैं. उसके बाद आपके हाथ में कोई स्टिक होगा, वो स्टिक आप पास कर देंगे अपने पार्टनर को जो कि हाफ वे में खड़ा होता है, दैट इज 50 मीटर्स पे, और बाकी के जो 50 मीटर्स हैं वो आपका पार्टनर दौड़ने वाला है. तो दैट इज द थिंग हियर ऑल्सो, दैट हाफ ऑफ द पुशिंग फोर्स विल बी अप्लाइड बाय मेड्यूलरी सेल्स एंड अदर हाफ ऑफ द पुशिंग फोर्स विल बी अप्लाइड बाय जाइलम पैरेन्काइमा. ठीक है, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? रिले पंप थ्योरी कहते हैं या फिर इसको हम क्लैम्बरिंग हाइपोथेसिस के नाम से भी जानते हैं. दैट इज द रीजन. ठीक है, तो ये किसकी थ्योरी थी? ये गॉडलवस्की की थ्योरी थी. नेक्स्ट थ्योरी जो यहाँ पर आई दैट इज पल्सेशन थ्योरी. पल्सेशन थ्योरी जो थी वो एक हमारे इंडियन साइंटिस्ट ने दी थी, सर J.C. बोस ने इसको दिया था. और इन्होंने कहा कि एसेंट ऑफ सैप जो होता है that is because of the pulsatory activity of innermost cortex. अब cortex पहले clear कर लीजिए. Suppose यहाँ पर आप section देख रहे हो root का, तो उसमें जो सबसे last वाला ऊपर वाला layer होता है वो epidermis होता है. ठीक है, और epidermis के नीचे जो आप cells देखेंगे, ये तो first layer of cells हो गई epidermis. इसके नीचे जो आपको cells दिखेंगे उनको हम hypodermis या cortex कहते हैं. ठीक है, इनको हाइपोडर्मिस या कॉर्टेक्स कहा जाता है या फिर यू कैन ऑल्सो से कि दीज आर कॉल्ड एज कॉर्टिकल सेल्स. तो ये जो कॉर्टेक्स के सेल्स होते हैं ही सेट की यहाँ पे पल्सेटरी एक्टिविटी होती है. नाउ व्हाट इज पल्सेटरी एक्टिविटी? पल्सेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पल्सेशन? एनीवन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पल्सेशन और पल्सेटरी एक्टिविटी? किसी को भी नहीं पता है? एनी वन ऑफ यू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पल्सेशन? What is the meaning of pulsation? Yes, meaning of pulsation is rhythmic contraction and relaxation. ठीक है. और या तो फिर अगर मैं आपको और भी simple language में बोलूँ तो थोड़ा सा shaking sort of activity या movement जो होता है जिसमें आपको obviously contraction relaxation involved मिलेगा, that will be termed as pulsation. तो जब ये पल्सेशन होता है इस तरीके का तो ही सेट की जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उससे क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा. जब रिलैक्सेशन होगा तो वाटर मॉलिक्यूल को धक्का मार दिया जाएगा ऊपर. ऐसा कुछ पॉइंट ऑफ व्यू था. ठीक है, बट आपको सुन के ही लग रहा होगा कि ऐसा थोड़ा सा प्रैक्टिकली हमें सही नहीं लग रहा है, बट हाँ इनका पॉइंट ऑफ व्यू यही था. तो अब आप जब यहाँ तीनों थ्योरीज को देखेंगे तो तीनों थ्योरीज में आपको क्या पता चलेगा? तीनों थ्योरीज में आपको पता चलेगा ये देखकर कि सभी जगह आपको जो इन्वॉल्वमेंट दिख रही है वो बेसिकली किसकी दिख रही है? जाइलम पैरेन्काइमा की. अब आप बोलेंगे कि मैम यहाँ पर तो कॉर्टेक्स है, वो तो पैरेन्काइमा नहीं है. अरे जब आप एनाटॉमी पढ़ोगे ना तो आपको बताया जाएगा कि जो कॉर्टेक्स या हाइपोडर्मिस के सेल्स होते हैं उनका नेचर भी पैरेन्काइमेटस होता है. ठीक है, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि मैम यहाँ पर तो कॉर्टेक्स है, यहाँ तो जाइलम पैरेन्काइमा नहीं है. ऐसा नहीं है, हर जगह हमने लिविंग सेल ही लिया है. एंड दैट इज द रीजन कि आप वेस्टरमायर के पॉइंट ऑफ व्यू की बात कीजिए, गॉडलवस्की का थ्योरी देखिए या पल्सेशन थ्योरी देखिए, ये सब की सब क्या कहलाती हैं? ऑल दीज आर कंसिडर्ड एज वाइटल फोर्स थ्योरीज. इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है वाइटल फोर्स थ्योरीज. क्लियर? तो अभी मुझे ये बताइए कि वाइटल फोर्स थ्योरीज के अंदर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है? एनी डाउट्स आर देयर? अगर कोई डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज आई एम गोइंग टू शो यू द ऑब्जेक्शन कि ये जो थ्योरीज अभी तक हमने सीखी हैं इसका शॉर्टकमिंग क्या था या ड्रॉबैक क्या था. ठीक है, तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो बोस ने अपनी जो थ्योरी समझाई थी, ही एक्सप्लेन पल्सेशन थ्योरी विद द हेल्प ऑफ अ गैल्वेनोमीटर. गैल्वेनोमीटर कहाँ सुन रखा है? वेयर यू हैव हर्ड अबाउट गैल्वेनोमीटर? कहाँ सुना है आप लोगों ने अबाउट गैल्वेनोमीटर? एनीवन? फिजिक्स में सुना होगा. ठीक है, यस, फिजिक्स में आपने गैल्वेनोमीटर या इलेक्ट्रिक प्रोब्स के बारे में सुना हुआ है. तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि उस इंस्ट्रूमेंट का यहाँ पे कौन सा यूज आ गया, काफी सारे यूज होते हैं. देयर इज अ ब्रांच विच इज कॉल्ड एज बायोफिजिक्स. तो वहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है बायोलॉजिकल कंसेप्ट्स का एंड फिजिक्स के जो कंसेप्ट्स हैं उनका. तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का यूज जे.सी. बोस ने किया था. अब देखिए इन सब के जो पॉइंट ऑफ व्यू थे या इन सब का जो थ्योरी था उसमें प्रॉब्लम क्या थी. स्ट्रासबर्गर नाम के जो साइंटिस्ट थे इन्होंने एक ऐसा काम किया जिससे कि ऊपर के तीनों साइंटिस्ट का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो रॉन्ग प्रूफ हो गया. स्ट्रासबर्गर ने क्या किया, इन्होंने जाइलम के जो लिविंग सेल्स होते हैं, मतलब जाइलम का लिविंग सेल कौन कहलाया? जाइलम पैरेन्काइमा, क्योंकि उसी का नेचर लिविंग होता है. स्क्लेरेन्काइमा तो डेड होती है. ठीक है, वेसल और ट्रैकेट का भी यहाँ पे कोई रोल नहीं है. तो जहाँ द ओनली लिविंग जाइलम एलिमेंट वाज जाइलम पैरेन्काइमा. तो जब इन्होंने देखा कि जाइलम पैरेन्काइमा पे इतना काम हो चुका है तो क्यों ना इस चीज को कंफर्म किया जाए कि क्या सच में जाइलम पैरेन्काइमा ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ट्रांसपोर्ट. तो इन्होंने जाइलम के जो लिविंग सेल्स थे उनको किल कर दिया विद द हेल्प ऑफ अ पॉइजन, और वो जो पॉइजन था वो था पिक्रिक एसिड. ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ पॉइजन पिक्रिक एसिड व्हाट ही डिड, ही किल्ड जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स. और फिर उन्होंने देखा कि ट्रांसपोर्ट होता है कि नहीं होता. तो ही वॉज वेरी शॉक्ड टू नो दैट कि ऑल्दो उन्होंने जाइलम पैरेन्काइमा को किल कर दिया उसके बावजूद भी वाटर का ट्रांसपोर्ट कंटिन्यूड रहा. तो इन्होंने देखा कि अगर फिर भी ट्रांसपोर्ट कंटिन्यू है मतलब नॉन लिविंग एलिमेंट्स हैं जाइलम की, दोज आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन. ठीक है, तब जाके ये बात हमारे सामने आई कि एक्चुअली वाटर का जो कंडक्शन होता है दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ वेसल्स एंड ट्रैकेट्स, नॉट विद द हेल्प ऑफ जाइलम पैरेन्काइमा। क्लियर? तो ये वाइटल फोर्स थ्योरी जो थी ये रॉन्ग प्रूफ हो गई, प्रैक्टिकली गलत हो गई। ठीक है, फिर जो थ्योरी आई वो जाइलम और वो जाइलम के जो नॉन लिविंग एलिमेंट्स थे मतलब कि ट्रैकेट्स एंड वेसल्स, उनको ध्यान में रखकर आई। तो जो सबसे पहली थ्योरी वहां पर आई दैट वाज रूट प्रेशर थ्योरी। अब जो रूट प्रेशर थ्योरी यहाँ पर है ये बहुत हद तक सही भी है, लेकिन इसके अंदर भी कुछ ऑब्जेक्शंस या शॉर्टकमिंग्स हैं। अगर मैं आपको सबसे पहले मतलब समझाऊं रूट प्रेशर का, तो पहले रूट प्रेशर समझिए कि एक्चुअली व्हाट इज रूट प्रेशर, फिर हम आगे की चीजें समझ पाएंगे। आपको भी पता है कि सपोज दिस इज रूट ऑफ अ प्लांट, ठीक है, ये हमने यहाँ पे क्या बनाया हुआ है, हमने यहाँ पे रूट बना ली। अब आप सबको पता है कि रूट में क्या होंगे, रूट हेयर्स होंगे। ये जो चीज यहाँ पे आपके लिए ड्रॉ की गई है ये क्या है, दीज आर रूट हेयर्स जो कि यहाँ पे होते हैं। अब आपको भी पता है कि जब यहाँ पर वाटर के ड्रॉपलेट्स होंगे, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, तो सबसे पहले इसको कौन ग्रैब करता है, इसको रूट हेयर्स ग्रैब करते हैं। और रूट हेयर के थ्रू आपने एक डायग्राम देखा था लास्ट क्लास में, डू यू रिमेम्बर, हमने देखा था कि रूट हेयर के सेल्स थे उसमें, फिर वो रूट हेयर के सेल्स में से जा रहा था रूट के एपिडर्मिस में, एपिडर्मिस से हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस के बाद वो किस में जा रहा था, एंडोडर्मिस में, और एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकल एंड देन जाइलम। याद है या नहीं याद है, मैंने आपको लास्ट क्लास में एब्जॉर्प्शन पढ़ाया था। ठीक है, लास्ट क्लास में आई टोल्ड यू अबाउट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वहां पर ये डायग्राम था। डू यू ऑल रिमेम्बर और नॉट, जल्दी से बताइए हाँ या ना, आप लोगों को याद है या नहीं याद है। ओके तो वहां पे जो कंडक्शन था एग्जैक्टली वही पाथवे आपको अभी इमेजिन करके चलना है कि यहाँ पर रूट हेयर के सेल्स हैं, उनके थ्रू वाटर जो है वो एपिडर्मिस में गया, एपिडर्मिस से वाटर जो है वो हाइपोडर्मिस में गया, हाइपोडर्मिस से वाटर एंडोडर्मिस में गया, और एंडोडर्मिस से जाएगा जाइलम या फ्लोएम के पास। ठीक है, फ्लोएम तो ट्रांसलोकेशन करता है, तो किसके पास पहुंचा, वो जाइलम के पास पहुंचा। तो जब ये पानी अंदर जा रहा होता है ना, तो मैंने वहां आपको एक और चीज बताई थी कि ये जो पानी अंदर जा रहा है कंटिन्यूअसली दैट इज बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग वाटर डिमांड। ये याद है या नहीं, मैंने आपसे कहा था कि प्लांट बॉडी का जो एक्सेस वाटर है ट्रांसपीरेशन से वो बाहर निकलता रहता है, जिसकी वजह से प्लांट बॉडी का जो वाटर डिमांड है या वाटर रिक्वायरमेंट है वो बढ़ता रहता है। ठीक है, ये वाली बात भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बोली थी। तो अगर आपको ये बात याद है तो अभी आपको वही लॉजिक लगाना है, बट थोड़ा ऑपोजिट मैनर में। हमने देखा था कि ट्रांसपिरेशन से पानी उड़ता जा रहा है प्लांट बॉडी के बाहर, तो वाटर डिमांड बढ़ती जा रही है। अब आप क्या करो, ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस को स्टॉप कर दो। हमें क्या करना है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन जिससे कि एक्सेस वाटर प्लांट बॉडी से बाहर जा रहा था, उस ट्रांसपिरेशन को आपको रोक देना है। तो जब आप ट्रांसपिरेशन स्टॉप कर दोगे, ठीक है, कंडीशन अब आपकी क्या हो गई है, यहाँ पे देखिए कंडीशन हो चुकी है कि ट्रांसपिरेशन को स्टॉप कर दिया गया। तो अगर आपने ट्रांसपिरेशन को स्टॉप कर दिया, एट दैट वेरी मोमेंट व्हाट इज गोइंग टू हैपन, कि जो पानी है वो अभी अंदर तो आता जा रहा है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल इज कंटिन्यूअसली ग्रैब्ड बाय द रूट सेल्स, लेकिन ट्रांसपिरेशन से वो बाहर नहीं जा पा रहा है। डू यू गेट मी, क्या बोल रही हूँ मैं, वाटर मॉलिक्यूल्स रूट हेयर्स के थ्रू कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब किए जा रहे हैं, बट दे आर नॉट अलाउड टू लीव द प्लांट बॉडी, क्योंकि ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस रुक गई है। तो जो प्लांट बॉडी होगा उसके अंदर क्या होगा, वाटर एक्सेस हो जाएगा या कम हो जाएगा, बताइए। What will be the condition? What will be the concentration of water molecule inside that plant body? Obviously it is going to increase. Very good. ठीक है, वहां पे कंडीशन क्या हो गई है कि रूट पानी एब्जॉर्ब तो करते जा रही है, ठीक है, लेकिन वो पानी बॉडी से बाहर जा ही नहीं रहा है, क्योंकि ट्रांसपीरेशन रोक दिया गया है. सो द करंट सिचुएशन इज कि पानी जो है वो अंदर के सेल्स में भरते जा रहा है. अब आपको भी पता है कि जब सेल के अंदर वाटर एक्सेस होगा तो टर्जिडिटी की कंडीशन आएगी क्योंकि सेल जो है वो स्वेल हो जाएगा. यस और नो? सेल जो है बिकॉज ऑफ एक्सेस एंट्रेंस ऑफ वाटर द सेल इज गोइंग टू स्वेल अप, द सेल इज गोइंग टू बिकम टर्जिड. ठीक है, यू ऑल नो दैट. तो जब सेल टर्जिड हो जाएगा तो आपको भी पता है कि वहां पे टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर आ जाएंगे. यस और नो? आएंगे. टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर वहां पे जनरेट होगा, ऑब्वियसली होगा क्योंकि सेल टर्जिड हो चुका है. तो अब नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा जो ये प्रेशर पड़ रहा है वो रूट सेल्स के ऊपर पड़ रहा है. आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? मैक्सिमम प्रेशर पानी के एब्जॉर्प्शन की वजह से किस पे पड़ रहा है? रूट के सेल्स पर पड़ रहा है. एंड दैट इज द रीजन कि रूट के जो सेल्स हैं उनका इतना सारा जो प्रेशर अंदर जनरेट हुआ दैट इज ओनली रिस्पॉन्सिबल जो पानी को धक्का मारेगा कि भाई तुम यहाँ से जगह खाली करो और थोड़ा आगे बढ़ो. दैट वेरी प्रेशर इज कॉल्ड एज रूट प्रेशर. तो अभी रूट प्रेशर का मतलब समझ में आया है सबको? रूट प्रेशर इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? रूट प्रेशर क्लियर हुआ है? यस. तो यहाँ पे वही जो रूट के ऊपर बहुत सारा प्रेशर पड़ गया या रूट ने प्रेशर ले लिया क्योंकि बहुत सारा पानी आता जा रहा है, दैट इज ओनली टर्म्ड एज रूट प्रेशर. अब आगे मुझे बोलना नहीं है, आपको भी पता है कि अगर रूट का प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया तो रूट उस एक्सेस वाटर को क्या करने वाला है? धक्का लगाने वाला है या फिर जिसको हम कहते हैं पुश मूवमेंट. तो ये जो पुश मूवमेंट वाटर मॉलिक्यूल पे लगेगी रूट के प्रेशर की वजह से, वो उसको कहाँ पर भेजती है? वो उसको आगे बढ़ाती है कि तुम बाकी के सारे सेल्स में जाओ. और जब वो आगे जाएगा तो वो सारे सेल्स भी उसको पुश करते रहेंगे कि तुम जाइलम के पास जाओ. एंड अल्टीमेटली व्हेन इट इज गोइंग टू रीच जाइलम तो फिर उसकी मूवमेंट कहाँ होगी या उसको जो धक्का लगाया जाएगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगाया जाएगा. तो दैट इज व्हाट इज एक्सप्लेन्ड बाय रूट प्रेशर थ्योरी. क्लियर? तो अभी रूट प्रेशर थ्योरी में किसी को कोई प्रॉब्लम है? अब हम देखते हैं कि इसका शॉर्टकमिंग क्या है या फिर इस थ्योरी में ऐसा क्या है जो गलत है. अभी तक हमने जो भी सीखा आपको सुन के लग रहा होगा कि ये सब चीजें तो बिल्कुल सही हैं. देन व्हाट इज द रीजन कि ये जो थ्योरी है ये फेल हो गई? ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? प्रॉब्लम ये होगा कि ये सब काम एफिशिएंटली चलता रहेगा. प्रॉब्लम तब आएगा कि जब हम बात करेंगे वुडी प्लांट्स की. जब आप वुडी प्लांट्स की बात करोगे तो वहां पे जो रूट हेयर्स होते हैं ना वो बहुत ज्यादा वेल डेवलप नहीं होते क्योंकि प्लांट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ हो चुका होता है. वहां पर ये काम नहीं करेगा. रूट प्रेशर जो है वो वुडी प्लांट्स में एब्सेंट है. ठीक है, उसके बाद हम क्या देखते हैं कि जो रूट प्रेशर होता है वो रात में ज्यादा होता है और एसेंट ऑफ सैप जो है वो कम हो जाता है. तो रूट प्रेशर बढ़ने के कारण तो एसेंट ऑफ सैप को भी हाई होना चाहिए ना. ठीक है, हमने क्या बोला कि रूट प्रेशर की वजह से ही एसेंट ऑफ सैप मतलब कि अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर हो रहा है. तो रूट प्रेशर अगर रात में ज्यादा है तो फिर एसेंट ऑफ सैप भी रात में ज्यादा होना चाहिए. बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है. रात के समय पर जब रूट प्रेशर अपने पीक पॉइंट पे होता है उस समय पर एसेंट ऑफ सैप कम होता है. तो इसका मतलब साफ था दैट रूट प्रेशर इज नॉट द थिंग दैट इज गोइंग टू एक्सप्लेन एसेंट ऑफ सैप एक्यूरेटली. ठीक है, जो सही से आपको समझा सके वो रूट प्रेशर का कंसेप्ट तो नहीं है. फाइन, ये सारे ड्रॉबैक्स यहाँ पर थ्योरी में थे. एक और ड्रॉबैक जो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे रूट प्रेशर से अगर आप वाटर मॉलिक्यूल की शिफ्टिंग करते भी हो तो वेन एवर यू यूज रूट प्रेशर तो उससे आप वाटर मॉलिक्यूल को सिर्फ कुछ दूरी तक ही ले जा सकते हो. मतलब इट इज गोइंग टू फेवर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट. ठीक है, इससे क्या फेवर होगा? शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट. लेकिन हमें भी पता है कि जब हम जाइलम और फ्लोएम के थ्रू किसी चीज का शिफ्टिंग पढ़ेंगे तो वो शिफ्टिंग लॉन्ग डिस्टेंस है. हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में आ चुके हैं. देखो, रूट से आप हाइट तक जा रहे हो, मैंने पहले भी समझाया हुआ है. तो क्या रूट प्रेशर की मदद से तो हम थोड़ा सा ही डिस्टेंस कवर कर पा रहे थे, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट या मूवमेंट हो रहा था, हम बहुत दूर तक नहीं जा पा रहे थे. तो दैट इज द रीजन कि यहाँ पे जो रूट प्रेशर थ्योरी है दैट गॉट फेल्ड. अल्टीमेटली हमारे पास क्या आया, अल्टीमेटली जो थ्योरी आई दैट वाज फिजिकल फोर्स थ्योरी, और उसमें जो थ्योरीज थी उनकी थ्योरीज का कुछ सेंस था, ऑल्दो सभी सक्सेसफुल नहीं हुई, बट इसी का जो फोर्थ टाइप है दैट इज डिक्सन एंड जॉली का थ्योरी, दैट इज द मोस्ट एक्सेप्टेड वन. तो पहले आप लोग रिजॉइन करिए, देन वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द फिजिकल फोर्स थ्योरीज एंड ऑल्सो विद द पेपर डिस्कशन. रिजॉइन करिए विद इन 5 to 8 मिनट्स, ठीक है, 5 से 8 मिनट के बीच में रिजॉइन करिए, एंड देन वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द फिजिकल फोर्स थ्योरी.